युवाओं को आतंक के लिए उकसाने और गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण के आरोप से घिरे इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक की वजह से कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष सोनिया गांधी मुश्किलों भरे सवालों में घिर गई हैं। दरअसल सोनिया गांधी की अगुवाई वाली संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन को नायक ने 50 लाख रुपए का चंदा दिया था। फाउंडेशन ने अब इसे लौटाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक जाकिर नायक ने अपनी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ओर से साल 2011 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए का चंदा दिया था। राजीव गांधी फाउंडेशन का नेतृत्व तब भी सोनिया गांधी ही कर रही थी। नाइक के जांच एजेंसियों के घेरे में आने के बाद ये बड़ी रकम लौटाने का फैसला किया गया है। ये फैसला इसी साल जुलाई महीने में फाउंडेशन की आपात बैठक में लिया गया था। वहीं कांग्रेस की ओर से सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कौन जानता था कि जाकिर नायक ऐसा आदमी है जो अपनी गतिविधियों की वजह से जांच के दायरे में आ जाएगा। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, जब उसकी जांच की जा रही है तो चंदे की रकम लौटाने का फैसला किया गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन की शुरुआत साल 2002 में की गई थी। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की मदद करना था। नाइक ने चेक के जरिए संस्था के बैंक अकाउंट में चंदा जमा करा दिया था। राजीव गांधी फाउंडेशन ने तब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को चिट्ठी लिखकर बताया था कि रकम का इस्तेमाल जनरल फंड के लिए होगा। रकम के साथ पैन कार्ड की सारी जानकारी भी मौजूद थी। गौरतलब है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जाकिर नायक जांच की जद में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नायक की संस्था को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिले अनुदान की जाँच कराने का आदेश दिया गया है। दूसरी ओर ISIS ज्वाइन करने वाले संदिग्ध मुस्लिम युवकों और कई वारदातों में शामिल आतंकियों के पास से जाकिर नाइक की किताबें और भाषण मिले हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।